माननीय शिक्षा मंत्री जी सभागार के द्वार पर हैं और वहां से दीप प्रज्वलन करके प्रदर्शनी को देखते हुए सभागार में प्रवेश करेंगे। दीप प्रज्वलन के पश्चात सम्माननीय मुख्य अतिथि पीरामल फाउंडेशन की सहभागिता के 10 वर्ष इस विषय पर एक प्रदर्शनी पास के विशाल कक्ष में लगी हुई है, उसका अवलोकन कर रहे हैं। रहते पहले जाके सुनते हैं उनकी दिक्कतें, तो उनको ये महसूस होता है कि हमारा सुनने वाला कोई है ना, घर पर सुनता है ना कभी कभी कोई सुनता है, हम पहले सुनते हैं तो सुनने के वजह से उनको रिश्ता बिल्ट होता है, फिर हम कोई हमारे आप परिवार के दादा दादा का रोल करते हैं। सर ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इसमें हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो काम स्कूलों में हो रहा है उस काम को पूरे जिले के स्तर पर कैसे लेके आया जाए और जिले में सिस्टम कैसे बनाया जाए, पूरा जिला परिवर्तित हो जाए। झुंझुनू में जब से ये काम शुरू हुआ वहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, मतलब वहाँ पे जो पीईओ है, उन पीईओ के साथ काम कैसे किया जाए ताकि वो अपनी पंचायत के सभी स्कूलों में उसको लेकर काम करें। और यहाँ पर भी गांधी फेलो हैं, दादा के ये काम करें, पर एक गांधी फेलो के पास यहाँ पर 30 पीईओ होते हैं और वो 30 पीओ के साथ काम करके उनके पूरे स्कूलों में ये चेंज कैसे जा रहा हो, स्पष्ट करें 30 पीओ के साथ कैसे काम करें जी। तो सर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम की सर जो प्रमुख गतिविधियाँ हैं उनमें से एक सर जन आंदोलन है, तो जैसे अपना बच्चा अपना विद्यालय जो कहते हैं जिसमें नामांकन बढ़ोतरी के लिए हमें काम करना था, तो हमने ब्लॉक स्तरीय और पंचायत स्तरीय जो अधिकारी हैं और जो प्रिंसिपल हैं और जो टीचर्स हैं उनके साथ एक रणनीति बनाई। कितने 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 स्कूल हैं आपके पास सर? ओवरऑल जैसे 36 पीओज हैं और 36 आपके पास, मतलब कितने नामांकन बढ़ा उस वर्ष? लगभग 28,000 नामांकन पूरे झुंझुनू जिले में पड़ा था, तो मतलब सभी सरकारी जितने भी ऑफिसर्स हैं वो और पिरामल फाउंडेशन एक साथ आया और एक जन आंदोलन का रूप दे के नामांकन बढ़ाया, वो हर वर्ष आगे ही बढ़ रहा है। सर ये तो प्रोग्राम का मुख्य गोल डायरेक्ट स्कूल में, यहाँ पे कोशिश ये है कि स्कूल में डायरेक्ट ना जा करके
बच्चों के स्वास्थ्य रुचि को लेकर किस तरह से आगे बढ़ जाए तो सर बारह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की लीडरशिप में हर एक बच्चे बारह डिस्ट्रिक्ट के लगभग 156,000 बच्चों का इंद्रजीत राव हाँ जी तो इस तरह से पूरा आपने जो बताया मेरा स्वास्थ्य बैठ गया था तो उस पर कैसे सोच शुरू किया ये और इम्प्रूव होगा छोटी छोटी चीज जैसे बोले डिस्ट्रिक्ट में 200+ केमोस्टेशन हो चुका है सर ये आपका प्रोग्राम आप ही दादा हो दादा तो मिल गया पोता नहीं मिला तो सर हम तो आप जानते हैं कि संकुल और सीमेंट और ऐसी हो जी सर मैं भी बैठ देखे हैं पत्रकार भाई हूँ अच्छा था इसको पूरे राजस्थान में आप ही करा दो करते तो आप हैं हम तो सपोर्ट चलिए थैंक यू नमस्ते थैंक यू नमस्ते सर वर्चुअल टीम सपोर्ट आप इनॉग्रेट करके गए थे 13 अगस्त को सर थोड़ा सा इसके बारे में जल्दी से आपको बता देती हूँ पूरे भारत के 13 लोकेशंस पर हमारे सेंटर्स चल रहे हैं महिलाएं हैं कम्युनिटी की जो ये सेंटर रन करती हैं मिडिल मैनेजर से और टीचर से हेडमास्टर से कनेक्ट करती हैं स्टेट में अलग अलग तरह के जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट के अलग अलग राज्यों के उनमें सपोर्ट अलग अलग तरह से हो रहा है जैसे ये अकेडमिक सपोर्ट के कुछ उदाहरण हैं जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं हाँ मैंने बताया है तो ये वही महिलाएं हैं जो अभी सर्कल ऑफिस से बैठे कर रही हैं मिडिल मैनेजर से कनेक्ट कर रही हैं करीब 500 ऑफिशियल से हम कनेक्ट अभी रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं और हमने एनालिसिस किया है कि 16% उनकी विजिट स्कूल्स में बढ़ी है पिछले महीनों में जी सर थैंक यू सर जैसे आपने गांधी फेलोशिप के बारे में जाना हम 2010 और 2013 के फेलोशिप गांधी फेलोशिप 2008 में शुरू हुआ था 11 आप वाले पहलवान फेलोशिप के तो 2008 में 11 फेलोज के साथ शुरू हुआ था आज हम 900 फेलोज तो ग्रेजुएट हो गए और अगले 5 साल में तकरीबन 4,500 फेलो गांधी फेलोज ने तकरीबन 25 संस्थाएं ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दी हैं और सरकार के साथ नॉन फॉर प्रॉफिट के साथ एकेडेमिया में रिसर्च में अलग अलग जगहों पे 800-900 फेलोज आज काम कर रहे हैं गुड 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 थैंक यू नमस्ते सर अभी तक आपने जो देखा वो 10 साल हमने राजस्थान में क्या किया है इसके बारे में था और अब आप जो देख रहे हैं वो अब से आगे हम और क्या क्या कर रहे हैं सर ये बहुत महत्वपूर्ण है आधा मिनट दिए आप इसमें आगे क्या हम सोच रहे हैं आगे करने वाले सर जैसे आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के आने से कितना फर्क पड़ गया है बहुत सारी रिसर्च ये बोलती है कि जो 50% नौकरियाँ आज के डेट में एग्जिस्ट करती हैं वो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगी इसको समझते हुए हमने बहुत रिसर्च करके एक फ्रेमवर्क निकाला जो अलग अलग इंसान की कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए स्किल क्या होनी चाहिए आने वाले समय के लिए बच्चों को कैसे एजुकेशन में कैसे होना चाहिए उसके तहत हमने एक फ्रेमवर्क निकाला और हमने सबसे ज़रूरी बात ये पाई कि बच्चे जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट के बेसिस तरीके से काम करेंगे तो सिर्फ भाषा गणित ना पढ़ कर क्या हम खेल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं भाषा गणित को किसी चीज़ को सॉल्व करने में तो जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है हमने वो रियलाइज़ किया कि बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है तो जैसे हम अगर पानी की समस्या जैसे झुंझुनू में बहुत इम्पॉर्टेंट है तो फ्लोराइड कैसे फ्लोराइड का समस्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं पीने के पानी में तो क्या बच्चे इसके समाधान निकाल सकते हैं सिमिलरली स्वच्छता भारत का जितना अभियान है क्या हम बच्चों में प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी क्लासरूम अपना स्कूल अपनी कम्युनिटी क्या हम क्लीन ड्राइव ऐसा करके प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं सो ऐसे हमने अलग अलग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपनाए हैं और वो आप आगे वाले स्टॉल्स में भी देख सकते हैं और प्रोजेक्ट्स सर अभी झुंझुनू में जो इनोवेशन चल रहे हैं तो एक तो बड़ा हो रहा है इसी दीपावली और फाउंडेशंस पे हो रहा है कि स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 5 तक और फिर और भी हो रहा है तो ये सारा हम उसके बारे में बात करेंगे सिटी के बारे में अभी जो चल रहा है तो सर जिस तरह से राजस्थान गवर्नमेंट अभी पूरा पीसी को फोकस करते हुए इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं उसी तरह से हम लोगों की संस्था ने 10 सालों से काम किया इस पर और प्राइमरी एजुकेशन में काम करने के बाद इस साल से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर और उसके अंतर्गत हाँ
अर्ली प्राइमरी में काम करने के अंतर्गत हम लोगों ने जून 2019 से झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की झुंझुनू ब्लॉक में 228 आंगनवाड़ी में काम करना शुरू किया है, जहाँ पे हम 3 से 6 साल के 2635 बच्चों तक रीच आउट कर रहे हैं। और जो मोड ऑफ इंटरवेंशन है उसमें हम आंगनवाड़ी वर्कर के साथ, उनके सुपरवाइजर के साथ, एनटीटी जो कैडर है उनके साथ, महिला साथी जो कम्युनिटी में फीमेल है उनका डेवलपमेंट करते हुए किस तरह से कम्युनिटी को मोबिलाइज कर सकते हैं। एनरोलमेंट सबसे पहला था जिसपे हमने 7 दिन का कैंपेन मोमेंटम किया और दिस वॉज आर अचीवमेंट जो हमको मतलब झुंझुनू के जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है डीडी सर है विप्लव जी और रवि जैन, उन्होंने लॉन्च किया था आंगनवाड़ी चलो अभियान, उसके अंतर्गत वी अचीव्ड 6,000 न्यू एनरोलमेंट इन झुंझुनू ब्लॉक। तो ये हमारा एक पहला माइलस्टोन था। हाँ, तो देट वॉज फर्स्ट माइलस्टोन। उसके बाद आंगनवाड़ी में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई ये हो तो हो ज्यादा बेटर, बच्चे आते नहीं है तो अभी ही जो तो चलो ठीक है आते हैं उतने, उसमें जो चीज आ रही है सर एक सबसे बड़ा समस्या तो ये है सर कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों होता है, उसमें न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, प्रेगनेंसी पे बच्चे और शिक्षा में, और ये दोनों साथ में जो करना है उसके जो करना बड़े समय पे होती है आंगनवाड़ी कुछ समय पे होती है कुछ समय पे नहीं होती है, बट हमारे जो दोनों ही है तो दिस इज ग्राउंड रियलिटी कि हर एक नहीं शुरू होती है। बट अभी हम लोगों ने जो एफर्ट शुरू किए हैं उसमें हमारी पहली कोशिश यही है कि आंगनवाड़ी रनिंग ऑपरेशन चालू हो और बच्चे आना शुरू हो और एजुकेशन न्यूट्रिशन और हेल्थ तीनों पे बैलेंस काम। थैंक यू, नमस्ते सर। हम लोग यहाँ फाउंडेशन जैसे आपने सुना कि 3 से 14 साल के बच्चों के साथ उनकी लाइफ स्किल्स पे उनकी एकेडमिक स्किल्स पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग टूल्स और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के हिसाब से उनके साथ उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ खुद मैम है जिन्होंने हमारे टिप्स टूल अपने स्कूल में यूज़ कर रही है और कैसे उनके प्रैक्टिस में चेंज आ रहे हैं वो बता रहे हैं। डबलगढ़ से और ये जो टिप्स है अपना की एक नई प्रणाली जिससे कि हम क्या चेंजेस ला सकते हैं उनके टीचिंग मेथड्स के अंदर, तो एक तो जैसे हमने लिया कि उनके खुद के वीडियोस बना के टीचर्स का जो प्रेजेंटेशन होता है उसका खुद का वीडियो बना के और उनके ही सामने उसको रखें कि इसमें और क्या हम एडअप कर सकते हैं जिससे बच्चा और ईजिली लर्न अप कर पाए। और बच्चों के भी जो हमें वहाँ से आउटकम्स मिलते हैं जो भी हम बेस लाइन वगैरह उनकी करते हैं उससे भी हम अपने मेथड्स को चेंज कर सकते हैं। सर मेरा नाम सौम्या है और मैं गांधी फेलो हूँ। सर सोशल इमोशनल एंड एथिकल सर अभी मेरे पास उदयपुर वाटी ब्लॉक है, उदयपुर वाटी ब्लॉक की 13 पंचायत है, तो वो 13 पंचायत मैंने कवर की। आपके स्कूल में गए? हाँ जी सर, इसमें आंगनवाड़ी में सर जो सबऑर्डिनेट स्कूल्स होते हैं पीओ स्कूल्स में जो सबऑर्डिनेट हाँ सर उनके सबऑर्डिनेट स्कूल्स में गए हैं जीयूपीएस और जीपीएस के। सबसे मोटी क्या प्रॉब्लम लगी आपको? सर मतलब प्रॉब्लम्स तो ऑन ग्राउंड जब हम जाते हैं तो काफ़ी सारी है, बट जीपीएस आपका एक्सपीरियंस अब तक आपको जो प्रॉब्लम लगी? सर एनरोलमेंट का इशू सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रिवेलिंग इशू एनरोलमेंट का है, स्पेशली जीपीएस और जीयूपीएस में। अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सारे जीपीएस स्कूल्स ऐसे भी हैं जहाँ पर सिंगल टीचर है एंड 50-60 स्टूडेंट्स हैं, सो वो जो हम लोग का क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल नहीं होता उसके सर है। और सर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सर पिछली बार आपने मेंटल हेल्थ का ये इशू हाईलाइट किया उस पर भी हमें काम करना चाहिए सर। द्वारा भी हम मेंटल हेल्थ के काम करते हैं इमोशनल बच्चों को उनका सो बच्चों का इमोशनल रेजिलियंस कैसे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि जो इश्यूज आ रहे हैं अभी स्कूल्स वो चाहे सिंगल टीचर स्कूल हो या तो मुझे लग रहा था कि धन्यवाद चलते हैं आइए। गगनगर गए थे क्या आप? जी गगनगर गए थे। हाँ जी 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 पेपर जी मैं अन्य सम्मान्य अतिथियों से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए। श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय
श्रीमान प्रदीप कुमार भुरड़ साहब आयुक्त, अभिषेक भगोटिया साहब राज्य परियोजना निदेशक, श्री मनमोहन सिंह जी, श्री परेश जी पिरामल फाउंडेशन के सीईओ हैं, डॉक्टर रश्मि शर्मा जी अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक हैं, श्रीमान पगड़िया साहब अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक हैं, जैसा कि आप सभी के संज्ञान में है कि यह कार्यक्रम तीन उद्देश्यों को लेकर आयोजित है। बस्ती का बोझ कम, राज्य सरकार ने यह नवाचार पिछले दिनों किया है। बस्ती का बोझ कम के तहत किताबों का निर्माण, उनकी नई जिल्दिंग और स्कूलों में भेजना, फिर उसका रिपोर्टिंग हुआ है, परिणाम क्या आए हैं यह माननीय मंत्री जी अभी आपके सामने रिलीज करेंगे। झुंझुनू जिले में शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि के लिए 2008 से पिरामल फाउंडेशन विभाग का सहयोगी है। पिछले दिनों झुंझुनू का एमओयू समाप्त हो गया था, तो अब झुंझुनू जिले के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एक नया एमओयू पिरामल फाउंडेशन के साथ होगा, जिसमें केवल झुंझुनू जिला होगा। पिरामल फाउंडेशन और राजस्थान सरकार या शिक्षा विभाग की सहभागिता के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उन तीनों बातों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में उपस्थित हैं सभी के सुपरिचित लोकप्रिय शिक्षा मंत्री श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब। परिचय भले ही अपेक्षित नहीं है, लेकिन सामान्यतः कार्यक्रमों में एक सम्मान और औपचारिकता होती है। माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमान डोटासरा जी शिक्षक परिवार से हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, राजस्थान की राजनीति में शेखावाटी क्षेत्र के कद्दावर नेता माने जाते हैं। आपको शैक्षिक मुद्दों की गहरी पकड़ है। अभी अल्प समय में है राजस्थान शिक्षा विभाग में आपने अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं जो मील के पत्थर साबित होंगे। सरल सहज श्री डोटासरा जी राज्य के शिक्षा मंत्री जैसे गुरुतर दायित्व का निर्वहन करते हुए हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं पिरामल फाउंडेशन के निदेशक श्री मनमोहन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को एक पौधा अर्पित कर उनका स्वागत सम्मान करें। श्री मनमोहन सिंह जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी को पौधा अर्पित कर उनका स्वागत करें। यह कार्यक्रम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और पिरामल फाउंडेशन के समन्वित सहयोग से आयोजित है। श्री मनमोहन सिंह जी, हमारे बीच में थोड़ी देर में आयुक्त महोदय आने वाले हैं, जब भी आएंगे तो उनका स्वागत मैं तदनुसार ही अपेक्षित समझूंगा। हमारे बीच में हमारे राज्य परियोजना निदेशक श्रीमान अभिषेक जी भगोटिया साहब भी हैं। भगोटिया साहब राज्य परियोजना निदेशक समर शिक्षा और स्कूल शिक्षा राजस्थान के अतिरिक्त आयुक्त हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, साक्षरता और सतत शिक्षा विभाग के आप निदेशक हैं और मिड डे मील के आयुक्त हैं। यद्यपि अभी लगभग 3 माह पूर्व ही आप हमारे बीच में हैं, पर जैसा हम अनुभव कर रहे हैं कि वे एक संवेदनशील और विनम्र प्रशासनिक अधिकारी माने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा पिरामल फाउंडेशन से सुश्री कनिका सिंह जी को, निदेशक हैं ये पिरामल फाउंडेशन की, के भगोटिया साहब को पौधा अर्पित कर उनका स्वागत करें। पिरामल फाउंडेशन के निदेशक मंडल में 4-5 अधिकारी हैं, कनिका सिंह जी निदेशक मंडल की सदस्य हैं। हमारे बीच में पिरामल फाउंडेशन के सीईओ श्री परेश पारसनीस साहब भी उपस्थित हैं। कार्यक्रम उनकी देखरेख में है, इसलिए उन्होंने यहाँ मंत्री जी के साथ इस कार्यक्रम में मंच सहभाग करना है। श्री परेश पारसनीस पिरामल फाउंडेशन के सीईओ हैं। सीएसआर के तहत आयोजित सारी गतिविधियों के क्रियान्वयन को वो देखते हैं। पिरामल स्वास्थ्य, पिरामल स्कूल लीडरशिप, पिरामल सर्वजल, इतने सारे दायित्वों का आप निर्वहन कर रहे हैं। श्री परेश ने HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ कार्यकारी निदेशक और सीईओ के रूप में भी कार्य किया है। आप विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के सलाहकार रहे हैं। श्री परेश साहब के पास रणनीति, परियोजना प्रबंधन, समयबद्ध निष्पादन और ग्राहक अनुकूल सर्विसिंग मॉडल बनाने का 30 वर्षों का अनुभव है। परेश इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के फेलो है। हम इस सभागार में उनका स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करूंगा
हमारे अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक श्रीमान बगड़िया साहब से कि श्री परेश साहब को पौधा अर्पित कर उनका स्वागत करें। श्रीमान बगड़िया साहब, श्री मनमोहन सिंह भी मंच पर हैं। मनमोहन सिंह निदेशक है, निदेशक मंडल में है पीरामल फाउंडेशन के में, और राजस्थान में पीरामल फाउंडेशन का काम जब से शुरू हुआ है उसका श्रेय मनमोहन सिंह जी को जाता है 2008 से। श्री सिंह जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के स्कॉलर रहे हैं, शैक्षिक मुद्दों पर पकड़ है, और मूलतः आप झारखंड से हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती नसीम खान जी से कि वे मनमोहन सिंह को पौधा अर्पित कर स्वागत करें। इस कार्यक्रम में बस्ते का बोझ कम, यह रिपोर्ट भी रिलीज होगी। नसीम खान जी के नेतृत्व में यह रिपोर्ट तैयार हुई है, ये इनोवेशन उन्होंने ही प्रारंभ किया है। और दो अधिकारी मंच पर हैं, मैं उनका भी परिचय कराना आवश्यक समझता हूँ। डॉक्टर रश्मि शर्मा जी, रश्मि शर्मा जी राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं, राजस्थान सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पद दायित्वों का निर्वहन करती रही है। लोक प्रशासन में आप शिक्षा क्षेत्र की उच्चतम डिग्री एमफिल और डॉक्टरेट हैं। वर्तमान में आप समग्र शिक्षा की अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक और स्कूल शिक्षा परिषद की संयुक्त आयुक्त हैं। मैं निवेदन करूंगा घनश्याम जी से कि डॉक्टर रश्मि शर्मा जी को पौधा अर्पित करें। घनश्याम जी यहाँ राजस्थान में स्टेट हेड है पीरामल फाउंडेशन के, और इन सारे कामों को देखते हैं। दूसरे अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक श्रीमान मुनिराम जी बगड़िया जी भी हमारे मध्य में मंच पर हैं। बगड़िया जी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, एक्साइज में अतिरिक्त आयुक्त और झुंझुनू जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। वर्तमान में आप राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के संयुक्त आयुक्त और समग्र शिक्षा के अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक हैं। मैं एक बार घनश्याम जी से पुनः निवेदन करूंगा कि बगड़िया साहब को पौधा अर्पित कर उनका स्वागत करें। श्री घनश्याम जी, अभी मनमोहन सिंह जी पीरामल फाउंडेशन और राज्य सरकार की सहभागिता के बारे में अपनी बात कहेंगे। मनमोहन सिंह जी आपसे मुखातिब हैं, उसके बाद 4 मिनट का वीडियो सहभागिता के संदर्भ को लेके आपको बताया जाएगा। तो मैं मनमोहन सिंह जी से अर्ज करूंगा कृपया अभी अपनी बात कहें। नमस्कार आप सभी को। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। यहीं पे इसी कक्ष में हम कुछ महीनों मिले थे और आपका मार्गदर्शन हुआ था, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई थी कि हम इंसान को इंसान कैसे बने हुए रहने दें। मशीनी परिवर्तन तो हो रहा है, तो वो एक मुख्य कारण है आज हम जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आपका मैं आदर करता हूँ और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार इसका इनका करतल ध्वनि से स्वागत करें दोबारा। माननीय अभिषेक जी से बहुत ही नज़दीक में मिले हैं हम लोग, और एक बहुत ही युवा और कर्मठ नेतृत्व आप दे रहे हैं, तो हम मिलकर के बहुत ही खुश हुए जब आप यहाँ आए। आप राजस्थान के हैं, और अभी मेरा परिचय में बताया गया था कि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। पैदाइशी मैं झारखंड का हूँ, लेकिन 300 साल पहले हम लोग चित्तौड़गढ़ से माइग्रेट हो गए थे, तो वापस आ गए हैं कर्मभूमि में। तो बहुत ही अच्छा लगा। सो आपका भी स्वागत अगेन। आपके जैसे नेतृत्व चाहिए इस राज्य को ताकि हम लोग मिलके कुछ कर सके। सो थैंक यू। हमारे बीच दो और अधिकारी हैं, माननीय बगाड़िया जी जो झुंझुनू में भी सेवा दिए हैं अपना, और वहाँ से हम इनको जानते हैं जब ये वहाँ पे एडीएम थे। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप वहाँ भी इस कार्यक्रम को देखे हैं, और अभी भी फिर से आप शिक्षा में आ गए, तो बहुत ही अच्छा संयोग है कि आप आए। तो आपका भी स्वागत। मैडम से मुलाकात मेरी आज पहली बार हुई, बट एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई कि इन्होंने बताया कि मैं झुंझुनू की हूँ। तो मैडम रश्मि जी का स्वागत है, और आप सभी लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जो शिक्षाविद हैं, जो सालों साल से कार्य कर रहे हैं ताकि हर बच्चे को एक खुशहाल जिंदगी देख सके, तो मैं आप सबका सम्मान करता हूँ।
तो सर मैं अपनी बात को बहुत कम शब्दों में रखना चाहता हूँ कि सर एक तो आपका जो नेतृत्व है, जब भी हम मिले हुए हैं तो आप पिछली बार भी अपनी स्टोरी बताए थे कि मैं वकील था और अभी कहाँ आ गया, और जितनी सहजता के साथ आप किसी भी सभा में किसी भी व्यक्ति के साथ जब आप मिलते हैं, लोग कहते हैं कि आप बहुत ही अप्रोचेबल हैं। और हमने ये सुना है कि जब भी एक लीडर अप्रोचेबल हैं और सहज हैं तो शायद नेतृत्व बहुत ही सुंदर मिलती है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द वन। राजस्थान पिछले कुछ सालों में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य कार्य किया है, और आप सब जानते हैं कि आप लोगों ने मिलकर राजस्थान को नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 में एक एक कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था पूरे देश में, बट अभी भी कल भी एक बहुत बड़ी सभा थी दिल्ली में जिसमें चर्चाएं हुई कि राजस्थान कैसे ये कर दिखाया कि पूरे भारत में नंबर वन हो गया नेशनल अचीवमेंट सर्वे में। सो अगेन क्लैप फॉर एवरीवन हु इज वर्किंग इन राजस्थान टू मेक एजुकेशन द वे इट नीड्स टू बी, जो शिक्षा का उद्देश्य है उसके तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी प्रदीप जी जो कमिश्नर साहब हैं वो अभी यहाँ नहीं है, कुछ समय में वो आएंगे, वो भी कुछ समय से जुड़े हुए हैं, वो भी झुंझुनू में कलेक्टर थे, ये सब संजोग है और कुछ नहीं। तो कई सारे जो कार्यक्रम आप लोगों ने किए हैं, एक जो बस्ते का बोझ कम जो कार्यक्रम है, आप बहुत लोगों को पता होगा कि पिछले कई वर्षों में एक चर्चाएं राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत हुआ है कि बोझ कैसे कम किया जाए बस्ते का, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, और अलग अलग तरह के इनोवेशन हुए हैं, बट राजस्थान ने इतने कम समय में इतने सिंपल तरीके से ये आपने करके दिखाया। एक डेढ़ साल पहले ही MHRD का एक गाइडलाइन आया था और उसमें जितना वेट था उससे भी बहुत कम वेट हो गया है। तो एक बहुत बड़ी सिंपल है बट बहुत ही इफेक्टिव एक आपने योजना बनाई है और एक कार्यक्रम आपने किया है, तो अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि ये कार्य हो पाया। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, और वो ईस्ट में बहुत महुआ का पेड़ होता है, तो महुआ के पेड़ के नीचे एक गुरुजी होते थे डंडा लेकर के, हम 300 बच्चे आसपास बैठते थे, और कुछ भी जब स्कूल में होता था कार्यक्रम, सरस्वती पूजा होती थी, तो हम देखते थे गांव की सहभागिता कितना महत्वपूर्ण है और कम्युनिटी का कितना क्रिटिकल रोल है। वैसे संविधान के तहत तो बहुत बार ये कोशिश किया गया कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो और ये पंचायत का रोल और ये वो, लेकिन अगेन राजस्थान ने जिस तरीके से कम्युनिटी बाल सभा को एक, इसकी जो योजना है, इसका जो उद्देश्य है, उसके बाद जो योजना है, जो कार्यान्वयन है उसका, वो अगेन अविस्मरणीय है, बहुत ही सुंदर है ये, क्योंकि आप उसमें देख रहे हैं कि गांव में जो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है एक तरीके से, जितना हमारा अनुभव है वो बहुत ही सुंदर है कि यदि कम्युनिटी साथ में आ गया और यदि मिलजुल करके स्कूल यदि एक इंटीग्रेटेड पार्ट हो जाए गांव का, तो शिक्षा एक बहुत सुंदर बन सकता है, जो हम शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं वो पूरा हो सकता है शायद, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ। पिरामल फाउंडेशन 2008 से सरकार के साथ साझा कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहा है। 2008 में पहली बार हमने शुरू किया था, जो अभी तक कई सारे MOU हमने किए आपके साथ, सीमेंट के साथ, SIRT के साथ, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्यक्रम जो चला रहे हैं झुंझुनू में, बारा में, जैसलमेर में, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, अलग अलग तरीके से, क्योंकि समय का मांग अलग अलग है, तो हमने कोई एक ही प्रोग्राम नहीं है, आपके साथ मिल करके कार्यक्रम बदलते गए हमेशा। और सर ये बहुत ही खुशी की बात है कि राजस्थान में अभी भी जैसे झुंझुनू में आसाम के 100 शिक्षक अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं, और उसमें वो देख रहे हैं कि राजस्थान में कैसे उन्होंने सीखा, जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, करगिल से 100-100 लोग आकर के गए, यूपी से लोग आकर के गए, पंजाब गवर्नमेंट आकर के गई, तो पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से लोग आकर के और देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे हमने कार्य किया, महाराष्ट्र के भी लोग आकर के गए, तो राजस्थान एक दिशा देने की जो ललक है शायद या जिज्ञासा है कुछ करने की, वो दिख रहा है सर इन सब उदाहरणों से।
तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें कि ये हो पा रहा है। हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन के साथ हमारी पार्टनरशिप है और वो उनके प्रोफेसर भी आकर के झुंझुनू में समय बिताए, तो वो भी यही कह के गए कि ये बहुत ही सुंदर तरीके से हो रहा है। एक स्ट्रक्चर लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट हम एक मुख्य चीज़ करते हैं कि कैसे जो स्कूल स्तर पे है, जिला स्तर पे है, ब्लॉक स्तर पे, उनके साथ कैसे हम लीडरशिप पे काम कर सकें, और तो एक उदाहरण के जैसा बनता जा रहा है। आगे का जो हमारा सर विचार ये है कि अभी जो भी हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे की बात कर रहे हैं या शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो तो मैथ लैंग्वेज सब्जेक्ट वाइज है, उसमें हम अच्छे कर पा रहे हैं और बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन फिर से मैं आप ही को कोट करना चाहूंगा कि जो इंसानियत की बात आपने कही, जो सहजता की बात है, जो कृतज्ञता की बात है, जो सहनशीलता की बात है, जो सद्भाव का बात है, जो संवेदनशीलता की बात है, तो वो हम कैसे इंश्योर करें कि अभी टेक्नोलॉजी, हम पढ़ते थे बचपन में कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप, तो मैं जब बच्चा था समझ नहीं आता था, हम बीच में रखते थे कि पता नहीं क्या है। तो अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मशीन लर्निंग जिस तरह से हो रहा है, तो बहुत सारे जो आज हम काम करते हैं वो मशीन कर रहा होगा। तो क्या ऐसा चीज है जो हम स्कूल व्यवस्था में हम लाएंगे ताकि इंसान बने हुए रहे, भाईचारा बना हुआ रहे, कृतज्ञता बना हुआ रहे, ग्रेटफुलनेस जो हम फील करते हैं, आभार जो हम फील करते हैं वो बना हुआ रहे, वो हम कैसे कर सकते हैं? तो ये जो आज हम करना चाह रहे हैं सर, आज जो हम मिले हैं, उसका एक मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे हम सोशियो इमोशनल लर्निंग पे ध्यान दे सकें, कैसे जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी चीज पीसा करके एक इंटरनेशनल लेवल पे एक एग्जाम होता है कि हम 21वीं सदी में आ गए, तो हम उसके लिए तैयार कैसे कर रहे हैं अपने बच्चे को, वो हम कैसे कर सकें? सेकेंडरी स्कूल में अभी भी हम वो पढ़ाई जो कर रहे हैं उसमें एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आ सकता है? जो ICDS में जो काम होता है वो हम जोड़ के कैसे देख सकते हैं स्कूल के साथ, ताकि बच्चा जब जब भी वो स्कूल में आना शुरू करे, आंगनवाड़ी से लेकर के 12वीं तक, तो झुंझुनू को एक इनोवेशन के जैसा हम देख रहे हैं कि क्या हम आपके साथ मिल करके इन सभी चीजों पर कार्य कर सकते हैं क्या, ताकि राजस्थान पूरे भारत में एक फिर से एक लीडरशिप रोल ले सके। हैप्पीनेस करिकुलम की बात बहुत जगह आपने सुनी होगी, तो उससे भी बढ़ चढ़ के हम कैसे कर सकते हैं, तो वो आज का उद्देश्य है। और ये कार्य तभी हो पाएगा जब हम मिल करके करेंगे, तो हम तो केवल सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा राजस्थान सरकार के लिए और सभी व्यक्ति जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि हम शायद इस कार्यक्रम के तहत फिर से एक अच्छा समाज बनाने की परिकल्पना को हम जमीन पे उतार सकेंगे। सो थैंक यू सो मच। मैं SPT साहब से अर्ज करूंगा कि वे अभी झुंझुनू जिले के लिए MOU होगा, तो राज्य परियोजना निदेशक और मनमोहन जी उसको हस्ताक्षर करेंगे। लेके आइए यहाँ MOU। MOU झुंझुनू जिले के लिए है। MOU के तहत संस्था जिले के 250 स्कूलों का चयन करेगी वहाँ के शिक्षा अधिकारियों की सहमति से, और उन 250 स्कूलों को प्रदर्शन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ टीचर्स को, हेड टीचर्स को प्रशिक्षण, ऑफिसर्स को प्रशिक्षण, 12 दिवसीय 20 दिवसीय स्कूल विजिट, सेल्फ लर्निंग। फिर इस MOU में ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रबंधन क्षमता विकास कार्यक्रम है, PTA SMC के माध्यम से हितधारकों की क्षमता संवर्धन, और जिला और ब्लॉक स्तर पर प्लानिंग में सहयोग, प्रक्रियागत सुधारों में झुंझुनू के विभागीय अधिकारियों का सहयोग, संबलन, वर्चुअल सपोर्ट, जिला ब्लॉक और पंचायत स्तरीय अधिकारियों का निरंतर ऑन साइट सपोर्ट, डाइट फैकल्टी को मास्टर ट्रेनर का वर्ष में 2 12 दिवसीय प्रशिक्षण और 20 दिवसीय ऑन साइट सपोर्ट, और वर्ष में कम से कम 2-3 प्रोजेक्ट डाइट फैकल्टी को। संस्था इसके लिए 100 काउंसलर नियुक्त करेगी झुंझुनू जिले में, जो ये सब काम करेंगे।
राज्य सरकार पर इसका कोई व्यवहार नहीं है। संस्था विभाग के फ्रेमवर्क में ही ये काम करेगी। सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग के लिए कक्षा 1 से 10 तक, 6 से 10 तक प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, माने झुंझुनू के बच्चे पीसा टेस्ट में बैठेंगे। ये एमओयू हस्ताक्षर हुआ है। मैं जी एमओयू आदान प्रदान की कार्यवाही और आगे आके पीरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि श्री मनमोहन सिंह और विभाग से श्रीमान भगोटिया साहब, राज्य परियोजना निदेशक। अभी बस्ते का बोझ रिपोर्ट का लोकार्पण होगा, माननीय मंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि उस रिपोर्ट को मंच तक पहुँचाएं, सभी अतिथियों को अधिकारियों को मंच रिपोर्ट देवें। बस्ते का बोझ कम, इस रिपोर्ट में नवाचार के बाद की स्थितियां जो एसडीएमसी ने, बच्चों ने, टीचर्स ने अपने विचार कहे हैं, वह है कि नवाचार किस हद तक सफल है। बस्ते का बोझ कम, ये रिपोर्ट प्रतिवेदन नवाचार के लागू होने के बाद, नवाचार लागू हो चुका है पहले ही, अभी ये रिपोर्ट का लोकार्पण है। मैं देर नहीं करूंगा, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा हमारा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले माफी चाहता हूं कि आपका क्रम बीच में मैंने डिस्टर्ब कर दिया। काफी लेट से आए थे, काफी लोग बैठे हैं, समय की अपनी मजबूरी है कि वो जा रहा है। कई लोगों के ये प्रश्न दिमाग में होगा कि मंत्री जी तो इतने सस्ते हो गए कि जब बुलाओ जब आ रहे हैं। हो रहा है ना, कईयों कितने लोग आएंगे, कोई सवाल उल्टा सीधा तो नहीं पूछ लेगा, कई तरह की बातें होती थी। मंत्री का डेकोरम जितना जैसा प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे जब भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई नवाचार की बात हो, अच्छे काम की बात हो, बच्चे के भविष्य से जुड़ी हुई कोई बात करने वाला हो, एक बैठा है, दो बैठा है, 5 बैठे हैं, 100 बैठे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जब बुलाया जाता है तो मैं आता हूं। और जब मनमोहन जी हो, जब मन को मोह लें तो उसके बाद में बचता क्या है। मन के मोहने से कईयों के घर बन जाते हैं, कईयों के। जब मनमोहन जी हो तो फिर तो मन को मोह लिया तो वो काम तो करना ही करना है। विभाग के अधिकारियों का यह आदेश था कि आपको आना है। पिरामल फाउंडेशन अच्छा काम कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, मुझे लगा कि अपने को 10-5 मिनट चलना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार अकेले में कुछ नहीं कर सकती, अपने सीमित संसाधन होते हैं, निश्चित रूप से बजट की भी अपनी मजबूरियां होती हैं,
एक व्यक्ति में सारा ज्ञान भी समाहित नहीं होता है, जगह जगह से जब लोग आएंगे, अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी बात को रखेंगे, अपने नॉलेज को रखेंगे, अपने एक्सपीरियंस को बांटेंगे लोगों में, तो एक नई चीज हमें समझने के लिए मिलेगी। तो मैं भी सीखने के लिए घूमता रहता हूं कि कहीं ना कहीं कोई चीज अच्छी मिले और वो हमारे प्रदेश के बच्चों के भविष्य के काम आए। निश्चित रूप से आज जो एमओयू हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है, हमने शायद 16-17 एमओयू वहां तक समझता हूं किए हैं। अच्छा लगा कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो आए, सरकार के साथ एक सहमति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं एजुकेशन में, जो हमारे लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है, उसमें अपना काम कर रहे हैं। मीडिया के भाई बंधु भी हमारा बहुत सहयोग करते हैं, हर अच्छी चीज को वो लोग अच्छे तरीके से दिखाते हैं। बस्ते का बोझ की बात थी, पूरे हिंदुस्तान में चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, अन्य कई पेपर जो पूरे देश में अपना स्थान रखते हैं, राज्यों में अपना स्थान रखते हैं, हमारे लोकल मीडिया है, सबने इस बात को सराहा। झुंझुनू में पिरामल फाउंडेशन का काम किस तरीके से चलता है ये हमारे बोर्ड साहब वहां कलेक्टर बन के गए, उन्होंने देखा, उनकी रुचि भी रहती है। तमाम हमारे अधिकारी जो हैं वो इस शिक्षा के माध्यम से इस मंच तक पहुंचे हैं, कोई आईएएस बना, कोई आरएएस बना, कोई कुछ बना, हमारे पैसे में शिक्षा जरूरी नहीं है, हमारे में तो जिसको जनता चुन ले वो चाहे कम पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अंगूठा ठेकने वाला हो, वो चलेगा। लेकिन विभाग में हमारे पास में क्वालिटी के टीचर हैं, अच्छे अफसर हैं, अच्छा करने के लिए है, अच्छे एनजीओ साथ आ रहे हैं, अच्छे सीएसआर में लोग अपना योगदान दे रहे हैं, तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम भी अच्छा करें जिससे आने वाली पीढ़ी हम लोगों को याद करें। क्योंकि हमारी जो कैपिटल है, हमारी जो पूंजी है, हमारी जो धरोहर है, वो तो हमारे बच्चे ही हैं। अगर बच्चे अच्छा बनेंगे, अच्छा शिक्षित होंगे, संस्कार शिक्षा लेंगे, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो दुनिया में हमारा नाम होगा, अच्छा लोगों का जीवन स्तर होगा। एक माँ बाप क्या चाहता है, अगर उसको पूछा जाए तो आज की तारीख में सबसे पहले एक ही बात दिमाग में आती है कि आप एक बात बताओ कि आप क्या चाहते हो इस जीवन में। पहले कभी क्या हुआ होगा मुझे पता नहीं, आज की तारीख में जो व्यक्ति चाहता है, जो मैं सोचता हूं, हो सकता है आप भी वही सोचते हो कि मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले, क्वालिटी की एजुकेशन ले, संस्कारी शिक्षा ले और मेरे से बड़ा आदमी बने और देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन करे और अपना जीवन अच्छे तरीके से चले। हो सकता है कोई पागल हो जो कहे सोना मिल जाए, धन मिल जाए, सुंदर बीवी मिल जाए, हो सकता है अपना सोच होगा, लेकिन जो अल्टीमेटली रिजल्ट आता है वो रिजल्ट बहुमत के साथ यही आता है कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है और वही उसके लिए काम। हर व्यक्ति, एक माँ बाप, एक गुरु हमेशा ये चाहता है कि मेरे से बेहतर मेरा बेटा या मेरा शिष्य, उसके लिए निश्चित रूप से उसको काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लगन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं कह सकता कि आप लोग किस तरीके से क्या काम कर रहे हो, किस क्षेत्र में क्या आपने किया होगा, उसमें मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि बच्चों को क्वालिटी की एजुकेशन दें, अच्छी शिक्षा दें। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारी सरकार में गहलोत साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान में 2 नंबर पे हमारा विभाग आया है, वो आगे आने वाले समय में नंबर 1 बने और मैं समझता हूं उसमें ही आप अपना योगदान देने के लिए आप लोगों ने एमओयू किया, हमारे साथ में आप आए।
एक बात कड़वी भी कहना चाहूंगा, आप आए अच्छी भावना के साथ आए, बहुत अच्छा है, लेकिन जो भी एनजीओ आए कृपा करके मेहरबानी करके हमारे अधिकारियों के साथ समन्वय बना करके एक रोड मैप के साथ में आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप नवाचार कर रहे हैं, क्या क्वालिटी में सुधार कर रहे हैं, अपना क्या योगदान दे रहे हैं, कहां किस स्तर पे दे रहे हैं, ये चीज प्रति 6 महीने में हमारे अधिकारियों के साथ में बैठ करके आपको एक रिपोर्ट कार्ड के साथ में चर्चा करनी पड़ेगी। हो सकता है आप अच्छा कर रहे हो, हमारे विभाग के अधिकारी उसमें और ज्यादा अच्छे की बात करें, हो सकता है कहीं ना कहीं आप अच्छा लग रहा आपको लेकिन कोई चीज कमी रह रही है उसकी भी चर्चा हो जाएगी, हो सकता है आप अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे नीचे की टीम आपको अच्छा नहीं करने दे रही है, तो उसकी भी हमारे अधिकारियों के सामने बात आएगी, तो हम लोग उसमें सुधार करने की चेष्टा करेंगे। अच्छे पढ़े लिखे बच्चे आपके साथ आ रहे हैं, एक जिज्ञासा के साथ आ रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात आपके पिरामल फाउंडेशन की टीम में मुझे लगी, वो आप जैसे मन को मोहने वाले हैं ना, वैसे ही सारे खिलखिलाते चेहरे हैं, तो जो खिलखिलाते चेहरे से काम करता है वो अच्छा करता है, और जो मुरझाए चेहरे से आप नौकरी करनी है आ गया, कई लोग हैं हर विभाग में होते हैं, उनको करना है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी खुशमिजाजी के साथ अच्छे ऊर्जा के साथ मन से अगर कोई काम किया जाता है तो मेरा ये मानना है कि वो काम सवाया होता है। तो पूरी आपकी टीम है, बार बार आने का मन इसलिए भी करता है कि हंसमुख चेहरे मिलेंगे, लटके हुए चेहरे नहीं चाहिए आदमी को, आधी समस्याएं तो उसी से दूर हो जाती है जब हंसता हुआ आदमी मिलता है। मेरे से शिक्षा मंत्री जी सब विभाग के अधिकारी कर्मचारी मिलते हैं तो ये नहीं है कि मिलने के बाद में मैं पीछे से ध्यान नहीं रखता हूं, मैं पूछता रहता हूं कि क्या इंप्रेशन लेकर के गए ये लोग, बात मीटिंग के बाद में क्या इंप्रेशन गया, कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई होगी जिसको मैंने लेने के बाद में चाहे वो आधा घंटे लिए हो चाहे 6 घंटे लिए हो, नौ नौ घंटे भी ली हमने, पीछे से मेरे एक दो आदमी जो होते हैं ना वो खबरची, उनसे पूछता रहता हूं कि मैं क्या क्या हुआ, क्या अपने बारे में क्या सोचा, विभाग के बारे में क्या सोचा, किस व्यक्ति ने क्या ठीक किया, किस व्यक्ति का क्या योगदान कम था, कौन फेल हुआ कौन पास हुआ, कई कई क्या है अपना खास आदमी होता है तो फेल को भी पास बता देता है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट आ जाता है। ये सब ये बात अपने नहीं करते तो अच्छा लगता, ये बात बहुत अच्छी थी जो लोगों ने अप्रिशिएट की, ये बात इस तरीके से कहते तो और ज्यादा अच्छा होता, तो फिर हम लोगों को सुधार करने का मौका मिलता है और हम लोग सुधार करते भी, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति से सीखता है, अपने आप में परिपूर्ण कोई नहीं है एक मनमोहन जी को छोड़ के, कि मनमोहन जी तो कौन सा झारखंड राजस्थान झारखंड सब जगह का पानी पिया, हम तो यहीं से घवटी में घूमे, अब कहीं दूसरे जिलों में जाने का मौका मिल रहा है तो हमें बहुत कुछ आप लोगों से सीखने का मौका मिल रहा है। जब आप लोगों से मिलते हैं तो रोजाना मैं शाम को 2 मिनट ये सोचता हूं कि आज क्या चीज अच्छी थी, किस तरीके से अच्छा था, क्या अपने को किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आदमी अपने किए के ऊपर अगर मंथन कभी नहीं करता तो उससे तो पशु भी अच्छा है, किए पे मंथन करना चाहिए, आपने अच्छा किया तो अच्छे पे मंथन कीजिए। 2 मिनट लगते हैं, कोई ज्यादा नहीं लगते, एक एक दो दो घंटे पूजा के नाम से बैठे रहते हैं और छोरे के बारे में सोचता रहता है, छोरा गया है कहां गया है, क्या गड़बड़ करके आएगा, क्या कमा के लाएगा क्या नहीं लाएगा, पूरी हिस्ट्री उसको पूछ लो, मंथन चलता रहता है राम 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 और दिमाग में दूसरी बातें रहती है। उससे बेहतर है कि जो काम आप करो वो एकाग्रता के साथ में बिल्कुल लगन से वो काम करोगे तो मैं समझता हूं उसका रिजल्ट 100% ठीक है। आप लोगों में इतना उत्साह, आप इतना काम करने की कर रहे हो, अलग अलग तरीके से कर रहे हो, अच्छा लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में किया हुआ दान कहीं बेकार नहीं जाता,
हम भवन बनाएंगे अगर उसमें कोई रहेगा नहीं तो हो सकता वो बेकार चला जाए। हम सड़क बनाएंगे हो सकता उधर व्हीकल का आवागमन नहीं हो तो वो बेकार चला जाएगा। लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, एक दिन एक बच्चे को कह भी सिखा रहा है तो भी वो काम आ रहा है, वो व्यर्थ नहीं जा रहा। इसलिए जो आपका योगदान है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं एसपीडी साहब आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं आपसे करता रहूं और आप मेरे से करते रहो, निवेदन में काम चल जाए तो फिर ऑर्डर की कहां जरूरत पड़ती है, कि इनका जो भी जितने भी एनजीओ है जो भी हमारे साथ आए हैं इनको कोई दिक्कत नहीं हो, इनको जो विभाग की तरफ से चाहिए वो आप प्रोवाइड करवाइए और इनका फीडबैक भी लेते रहे, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या है, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या इसमें अपने, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, क्या ठीक है क्या नहीं है। आदिवासी इलाके में किसी और चीज की जरूरत है, शेखावाटी में किसी और की जरूरत है, हरियाणा के बॉर्डर लगते हैं पहलवानों की जरूरत है, वहां खेल के उसमें काम किया जाएगा तो पहलवान अच्छे होंगे तो गोल्ड मेडल लाएंगे। हमारे शेखावाटी में थोड़े नेता बनाने हैं, वो नेता बनाना जरूरी है कि भाई बच्चे को लीडरशिप कैसे डेवलप होती है तो उसमें भी काम कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि सारे आईएएस बने, नेता भी चाहिए और नेता अच्छा होगा तो उतना ही उस प्रदेश का उस देश का भविष्य अच्छा होगा, नहीं होगा। अब ये है चाहे गांधी फैलो कुछ भी, नेता भी है और काम भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सब लोग अच्छा मिलकर के काम करें। और जो मुख्यमंत्री जी का सपना है, प्रदेश के लोगों की जो आशाएं हैं अपेक्षाएं हमसे हैं कि भारत में हमारा राजस्थान एजुकेशन के नंबर में वन बने, मैं मेरे अधिकारियों से कहना चाहता हूं अपने को बहुत पैसा मिलता है, लाख रुपए से नीचा कोई अधिकारी नहीं होगा। पहले तो कहते थे वो क्या मरा हुआ तिलाक का, आजकल तो हर कर्मचारी को अच्छा पैसा मिलता है। ये जो बच्चे काम कर रहे हैं इनको तो क्या मिलता है, मानदेय मिलता है, छोटा मोटा मिलता है, किसी को 10,000 किसी को 15,000, फिर भी कहां कहां दूर दूर से आकर के कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो हम सबको भी ये एक मौका मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है। मुझे कई लोग कहते हैं यार शिक्षा में उड़ जाए दिया, शिक्षा मंत्री के तो परेशानी परेशानी रहती है। मैंने कहा परेशानी तो आदमी अगर मन से माने तो हर काम में ही रहती है, अगर परेशानी मान के काम कर रहा है तो कोई भी काम कर लो। पिक्चर भी देख रहे हो ना, तो वो पिक्चर में जैसे मुक्का मारता तो लगता है मेरे ही लगेगा, अब वो मन में मान लिया तो उसकी पिक्चर भी आराम से नहीं दिखती उसे। तो वो मन से है, सब चीजें मन से है। अगर हम उत्साह के साथ अगर कोई काम कर रहे हैं मन में पॉजिटिव भाव लेकर के काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो काम अच्छा ही होगा। आप सभी लोग आए, मैंने बीच में क्रम तोड़ा इसके लिए तो माफी चाहता हूं कि मुझे जाना था, मेरी मजबूरी थी, उस दिन पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण से काफी समय में जयपुर से बाहर रहा, विभाग का काम भी है। आप सब लोग आए, बोर्ड साहब ने न्योता दिया और वही गायब हो गए, ऐसे कैसे चलेगा आप बताओ। बोर्ड साहब का आपसे ज्यादा है ना हकूक, है ना, फिर वही गायब हो गए। खैर उनकी भावनाएं आपके साथ में है, हम सब मिलकर के एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा काम करें। अभी अभी जब हम एक वर्कशॉप कर रहे थे तो हमारे मीडिया के भाइयों ने हमसे पूछा सा 12 महीने हो गए क्या किया क्या नहीं किया, तो मैंने उनको लेखा जोखा दिया है। मैं समझता हूं और अब जब समय आए आगे वाला आप सबके मिलकर के हम और ज्यादा बेहतर हम क्या कर सकते हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या किया है, इस बात को हम और बढ़िया तरीके से उनके सामने रख सके, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लगन के साथ चलना पड़ेगा। और 130 करोड़ की इस दुनिया अपने भारत में जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छा क्वालिटी का काम करेगा नंबर वन बनेगा उसी को लोग पूछते हैं, बाकी ऐसे तो घूमते रहते हैं सारे दिन घूमते रहते हैं, खूब है, हर व्यक्ति काम करता है अपनी रोजी रोटी के लिए भागता है काम करता है, लेकिन जिस क्षेत्र में भी
गुंडा भी नंबर वन होगा, उसी को पूछेंगे लोग, उसी के नाम से थर्राते हैं कि भाई उससे तो बचाओ, उसका फोन आ गया तो मारा जाएंगे, उससे पंगा मत लेना। अच्छा व्यक्ति समाज में गांव में होगा तो उसको कहेंगे, वो आदमी कह देगा, वो जीना ही होगी, वो अच्छी बात कहता है, उससे हमें कहलवा दो हम कर देंगे। अच्छी दुकान पे सामान मिलता है तो उस दुकान पे एक ही रेट है, वाजिब रेट है, वहां पर अच्छा काम सामान मिलेगा। अच्छा टीचर होगा तो वो अच्छा टीचर है, वो अच्छा पढ़ाता है। मेरे पास कई लोग आते हैं साहब, उस प्रिंसिपल को लगाऊं, मेरे क्षेत्र से एक प्रिंसिपल के लिए 15 स्कूलों की डिमांड आ गई, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा मेरी जगह चुनाव ही लड़ ले। तो बोले साहब मेरा क्या दोष है, मैं ठीक पढ़ाता हूं इसलिए मेरी डिमांड करते हैं। तो मैंने उसकी परीक्षा ली, मैंने कहा साहब कहां लगाना चाहते हो आप बता दो, वहीं लगा देता हूं, 17 में से एक तो राजी हो। तो उसका जो जवाब था वो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि जहां विभाग अपनी मर्जी से लगाए मैं वहीं अच्छा बेस्ट काम करूंगा। अगर वो ये कह देता कि मुझे तो लालची लगा दो तो वो फेल हो जाता मेरी नजर, क्यों फिर उसकी चॉइस आ गई तो वो अच्छा नहीं है, फिर उसमें कमी आ गई है। अच्छे का मतलब है अच्छा, ओवरऑल अच्छा। मैं भी फिर समाप्त कर दू, हमारा गुरु जी हमारा गार्जियन है, आज आयडा जब मैं गुरु जी चालू थाने में दिखाऊं थे भी गुरु रियडा हो, अब वाली शिक्षा मेरे पहले वाली मुकाई है। बोलो ये एक बेसिक फर्क है, पहले बोलो कान पकड़ में चाटो मार देता आगे, जब माँ बाप धन्यवाद दे तो राज का लाठी ले रहा है, बेसिक फर्क आए। और बोले और की चिंता मत करो, बस एक में ही समझ जाओ उसको। पहले अगर हम बच्चे की पिटाई करते थे, वो गलती करता था तो माँ बाप धन्यवाद देने आते थे कि आपने मेरे बेटे को सुधारा। और आज के इस कंप्यूटर के जमाने में, मोबाइल के जमाने में, जब अगर हम डांट देते हैं तो या तो लाठी लेके आ जाता है, नहीं तो थाने में ही पेशी होती है, उससे पहले बात ही नहीं। ये जो बेसिक फर्क है ना, ये हमारे लिए चैलेंज है कि अगर बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है, अगर कोई शिक्षक उसको अगर डांटता है, उसके भविष्य के लिए डांटता है, तो भी हम उलाना देने चले जाते हैं। तो ये बदलाव क्यों आया और इसको कैसे किया ठीक किया जा सकता है, इसको भी हमें सोचना समझना पड़ेगा। ये आपके हवाले, मनमोहन जी के हवाले करता हूं। पहले मैंने स्वास्थ्य और रुचि के बारे में कहा था, वो आपने किया, इसमें लिया है, मुझे अच्छा लगा, मेरा आना यहां सार्थक हो गया। अब ये जो बदलाव आया है इसको आप किस रूप में लेते हैं, इस बदलाव को हम कैसे ठीक करें, ये भी मैं आपके जिम्मे छोड़ता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप जो हम लोग आपसे अपेक्षा करते हैं वो लोग पूरा करोगे। आप सबने बुलाया, हमारा सम्मान दिया, इसके लिए तो धन्यवाद। और पुनः आपको हमारी तरफ से विभाग के साथ में आपने जो MOU किया है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सिर्फ 5-6 मिनट का कार्यक्रम और है, मैं परेश जी को आमंत्रित करूंगा आभार प्रदर्शन के लिए, ये अपनी बात भी कहेंगे। परेश जी CEO है पीरामल ग्रुप के और मुंबई आपका हेडक्वार्टर है, इस कार्यक्रम के लिए ही परेश जी हमारे बीच में है। जी ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑल द सीनियर ऑफिशियल्स ऑन द डायस, मेरी हिंदी तो इतनी अच्छी नहीं है सर, तो मैं अंग्रेजी में बात करना उचित समझूंगा। Thank you so much for gracing the occasion today and kind of blessing the MOU that we are signing with Piramal Foundation today. Piramal Foundation ki karma bhumi Rajasthan hai. 2008 mein jab kaam shuru hua tha Jhunjhunu se, shiksha ke kshetra mein, swasthya ke kshetra mein aur peene ke pani ke kshetra mein kaam kar rahi hai. Aaj Jhunjhunu se chal ke kareeb 21-22 rajyon mein kaam kar rahi hai jo Jhunjhunu mein shuru hua tha. पूरे देश भर चल रहा है, मनमोहन जी ने जैसे कहा। आई थिंक अ लॉट ऑफ द वर्क दैट वी आर डूइंग अक्रॉस द कंट्री रियली कम्स बैक टू द इनोवेशंस दैट वी डू। जो आपने नवाचार की बात कही सर, जो झुंझुनू में नवाचार होती है, आज चल के जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में जो झुंझुनू में शुरू हुआ था, आज 30 जिलों में चल रहा है 7-8 प्रकोष्ठ। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ व्हाट वी स्टार्टेड एज पिरामल फाउंडेशन इज रियली where we started in Rajasthan. I want to thank you for your support, for a lot of the guidance that you have given us.
And we are extremely happy to note that it's not just the signing of the MOU, but the fact that every 6 months, sir, you have asked us to come back and spend time with officials of the ministry. And we are more than happy to do that, because I think it just gives us an opportunity to learn, course correct, and do better in the subsequent 6 months. So we will more than happily take up that opportunity, and with the support of all the officials of your ministry, we will take this forward. I think we have a long way to go. Whatever work we are doing in education, in healthcare, in safe drinking water, there is a long way that we have to travel. But I just want to say that this is the beginning of a new relationship with the signing of this MOU. जैसे आपने कहा सर 15-16 MOUs हैं हमारे स्टेट के अलग अलग हिस्सों में, तो आज जो झुंझुनू में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस शुरू करने की बात हुई है, आई थिंक दैट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप. आई वॉन्ट टू थैंक यू, आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री, दोज हु आर प्रेजेंट हियर एंड दोज हु हैव बीन सपोर्टिंग अस. मैडम यू हैव बीन अ ग्रेट सपोर्ट ऑन बस्ते का बोझ कम. And I think all the work that we have taken on. So I just want to thank all of you, all the headmasters, the PEOs, the district officials, the block resource coordinators, people from across the state who have really been supporting some of the thinking that we are bringing. Our effort has always been, हमारी यही कोशिश रही है कि जो कुछ हम करें सरकार के साथ काम करके करें, अलग से ना करें. और सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो सरकार की स्कूलों हैं, स्कूल्स हैं, और सरकार की जो व्यवस्था है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, यही हमारी कोशिश रहती है. और इसी में अगर आपका सहभाग नहीं रहा, आपका सपोर्ट नहीं रहा, तो ये बहुत मुश्किल होता है. जैसे मंत्री महोदय ने कहा कि एक गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट और NGOs का जो एक कोलैबोरेशन होता है, उससे बहुत कुछ हो सकता है. और यही कोशिश हमारी आज 10 साल से चलती आ रही है, आगे आते समय में भी यही चलती रहेगी. यही शुभकामनाएं हैं आप सभी को. आज आप यहाँ आए, इस ओकेजन में आपने आपके आशीर्वाद हमें दिए, बहुत बहुत धन्यवाद. और फिर से मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूँ. धन्यवाद. आप सभी हमारे सहभागी रहे, हम नमस्कार करते हैं, गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं. सभी सम्मान्य अतिथियों का भोजन इधर है, आप सभी सहभागी प्रतिभागियों का भोजन विशाल कक्ष में है. जी नमस्कार, धन्यवाद.